हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आप सभी के लिए फिर एक बार लेके आ चुके हैं भिंड मेला। तो आप सबको दिखाएंगे आज किस प्रकार लगा हुआ है मेला, कितना लग चुका है। तो आप देखते हैं, आपको देखिए गाइस, भिंड मेले के बाहर खजले की काफी ज्यादा शॉप लगी हुई है, आपको दिखा रहा हूँ। और काफी ज्यादा गाड़ियां भी लगी हुई है, देखिए गाइस, मैं आप सबको दिखा देता हूँ। तो आपको दिखाते हैं इस साइड, देखो काफी सारी दुकान ओपन है यहाँ पर, खजले की लाइन से लगी हुई है। तो मैं आपको आज सारी खजले की दुकान दिखाऊंगा। गाइस देखिए, काफी ज्यादा शानदार लग रहा है खजला, काफी ज्यादा शॉप हो चुकी है। गाइस अब चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको अंदर से मेला कितना लग चुका है। गाइस मुझे तो यहाँ पे बाहर से काफी ज्यादा पब्लिक दिख रही है, तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कितनी सारी पब्लिक है। मुझे इस बार काफी ज्यादा मेला लग रहा है, बहुत ज्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई है। गाइस यहाँ पे चाट का सामान सारा लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो सारे ठेले यहाँ पे बाहर की साइड खड़े हुए हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा गाड़ियां लगी हुई हैं और काफी जाम भी लग रहा है। तो अब आपको अंदर से दिखाते हैं, तो चलते हैं अब अंदर। लो भाई, निकलने के लिए रास्ता तो छोड़ो यार। चलो तो ये गाड़ी हट चुकी है, अब चलते हैं हम सीधा अंदर। जैसा कि पब्लिक देख ही सकते हो तो कितनी ज्यादा पब्लिक है यहाँ पे। और चलते आगे, गाइस ये है ब्रजवासी सुपर शॉपी, काफी ज्यादा पब्लिक रहती है यहाँ पे, काफी टेस्टी लगती है इनकी। ब्रजवासी सुपर भेलपुरी, चलते हैं अब आगे। Thank you.
देख सकते हैं यहाँ पे 100-100 रुपए में काफी ज्यादा अच्छी सैंडल लगी हुई है। 100 रुपए की गाइज, आपको अगर ये भीड़ भाड़ से निकल के आपको जाना है तो मैं आपको झूला सेक्टर की ओर तो आपको शॉर्टकट रास्ता बता देता हूँ। इस साइड से आपके लिए शॉर्टकट रास्ता बना दिया गया है झूला सेक्टर के लिए, अगर आपको इस भीड़ भाड़ में नहीं घुसना है। ये है मीना बाजार और यहाँ से आप झूला सेक्टर की तरफ से निकल सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ झूले इधर भी लगे हुए हैं मीना बाजार में। गाइस, आपको काफी समय से मैंने झूला सेक्टर नहीं घुमाया है तो आज मैं आपको झूला सेक्टर घुमाने वाला हूँ। चलते झूला सेक्टर में क्या माहौल है वो दिखाता हूँ आपको। गाइस, ये है झूला सेक्टर, आप देख सकते हो यहाँ पे मिकी माउस भी लगा हुआ है और भी काफी सारे झूले लगे हुए हैं। तो
गाइस ये अपने परचित में है ये शॉप, आप कभी भी आ सकते हो। काफी ज्यादा अच्छी इन्होंने बैठने की व्यवस्था दी रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो टेबल लगाई हुई है और कुर्सियां भी है काफी, और काफी ज्यादा आइटम भी है खाने के लिए। आप देख सकते हो फ्रेश आइटम मिलता है एक नंबर का, काफी अच्छा टेस्ट है। तो कभी भी आओ भाई आपके दुकान पे शॉप पे तो आप आ सकते हो और खा सकते हो, तो सस्ता भी है। वीडियो अगर